आज का जो पहला टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू पैराबोला। ठीक है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू पैराबोला। तो जैसे मान लो हमारा पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो जब मैं 4ax को इधर लेके आऊंगा, व्हेन आई विल ब्रिंग 4ax ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ओके, सो अब ये वाली चीज वाई स्क्वायर माइनस 4ax, इसको हम लोग किसे नोट करेंगे? एस से। सो एस इज व्हाट? इट इज एन एक्सप्रेशन। व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन? वाई स्क्वायर माइनस 4ax। अब देखो, जैसे मान लो कि से ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला है। तो इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इनसाइड वाला पोर्शन। कौन सा? ये वाला पोर्शन। फिर इस पोर्शन को क्या कहते हैं हम लोग? इस ग्रीन वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? आउटसाइड पोर्शन। और ऑन द कर्व तो तुमको पता ही है, जो कर्व के ऊपर है इसको हम लोग कहेंगे इट इज ऑन द कर्व। ठीक है, सो अ पॉइंट पी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट विल लाई इनसाइड। कब लाई करेगा? जब लेस देन जीरो S1 जो है वो लेस देन 0 है। ऑन द पैराबोला कब लाई करेगा? जब S1 जो है इक्वल टू 0 एंड आउटसाइड द पैराबोला कब लाई करेगा? जब S1 जो है वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका प्रूफ भी होता है, प्रूफ भी मैं दिखा देता हूं। इतनी बात समझ में आ गई तुम लोग को? इनसाइड आउटसाइड, पहले तो कौन से पोर्शन को इनसाइड कहते हैं, कौन से पोर्शन को आउटसाइड कहते हैं, फिर उसके बाद कौन से पोर्शन। अब देखो तो जैसे प्रूफ, मैं इनसाइड का ही प्रूफ बस दिखा देता हूं। सर थोड़ा ऊपर लीजिए ना। ऊपर करो, नोट करना है। ये देखो, यहां से स्टार्ट किया हम लोगों ने और ये एक रिजल्ट है। ठीक है, देख लिया। हाँ सर। ओके, तो अब जैसे मान लो इनसाइड की बात करें, अगर हम लोग से यहाँ पे पॉइंट पी है, से एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे मान लो कर्व के ऊपर एक पॉइंट पी डैश होता जिसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्स कोऑर्डिनेट एक्स नॉट होता, वाई कोऑर्डिनेट वाई वन होता। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या कह सकते हैं कि पी डैश जो है वो ऑन द कर्व है
मतलब वाई वन स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स नॉट जीरो है। इसका मतलब वाई वन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती, फोर ए एक्स नॉट के बराबर होती। ठीक है, अच्छा ये बताओ मेरे को बच्चों, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो वाई वन स्क्वायर होता वो वाई नॉट स्क्वायर से बड़ा होता, वाई वन स्क्वायर जो होता वो वाई नॉट स्क्वायर से बड़ा होता। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड फोर ए एक्स नॉट सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो इससे क्या हो गया, वाई वन स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स नॉट दिस शुड बी ग्रेटर देन वाई नॉट स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स नॉट। अच्छा वाई वन स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स नॉट दिस वॉज जीरो, तो ये तो जीरो हो गया। वाई नॉट स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स नॉट, तो इससे क्या हो गया कि वाई नॉट स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स नॉट दिस शुड बी लेस देन जीरो, या वाई नॉट स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स नॉट दिस शुड बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, या एस नॉट, इसी को तो एस नॉट कहते हैं ना, दिस शुड बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। अंडरस्टूड? तो जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, से क्वेश्चन है, इधर वाई नॉट एक्स नॉट क्या हो गया जो इनसाइड लाई कर रहे हैं ना, वाई नॉट एक्स नॉट, हाँ जो इनसाइड वाला पॉइंट है वो ये, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े अपन, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ये एक पैराबोला है, फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा, फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा सच दैट पॉइंट पी अल्फा कॉमा अल्फा प्लस वन लाइज इन साइड द पैराबोला। चलो बारिश हो रही है क्या आज तुम लोग उधर? हाँ हाँ सर, वो स्टॉर्म आया है। हाँ सर, कैसा? सर वो साइक्लोन तो हाँ वो तो पता है, एक्चुअली मैं होम टाउन आया हुआ तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, तो इसीलिए पूछ रहा था।
सर अल्फा बिटवीन 5 माइनस 4 रूट 6 टू 5 प्लस 4 रूट 6। सर 5 माइनस 2 रूट 6 आएगा। हाँ सर 5 माइनस 2 रूट 6 हम्म, सॉरी। टू टू रूट सिक्स आएगा। हम्म, 5 माइन, फाइव माइनस टू रूट सिक्स से 5 प्लस 2 रूट 6 का। हाँ अब देखो पॉइंट पी जो है वो अल्फा कॉमा अल्फा प्लस वन है, सो इट लाइज इनसाइड द पैराबोला। तो सबसे पहले तो एस किसको डिनोट करूंगा मैं, वाई स्क्वायर माइनस 12x। तो एस नॉट क्या लिखता मैं, वाई नॉट स्क्वायर माइनस 12x0। एंड दिस शुड बी लेस देन 0, क्यों? बिकॉज द पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द पैराबोला। अच्छा दिस शुड बी लेस देन 0 मीन्स अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 1 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, अब देखो अ क्वाड्रेटिक लेस देन 0 मतलब इसका सोल्यूशन सेट क्या होता है, बिटवीन द रूट्स वाला होता था। जैसे इसके रूट्स क्या होते हैं, रूट ऑफ 96/2a। रूट 96 कितना होता है, 4 रूट 6। रूट 6। ओके, तो 10 प्लस माइनस 4 रूट 6/2 मतलब 5 प्लस माइनस 2 रूट 6, दीज आर द टू रूट्स। ओके, सो अपने क्या लिखेंगे, अल्फा बिलोंग्स टू 5 माइनस 2 रूट 6 से 5 प्लस 2 रूट 6। अल्फा बिलोंग्स टू 5 माइनस 2 रूट 6 से 5 प्लस 2 रूट 6। अच्छा जैसे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लाइन एंड पैराबोला। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा, पॉइंट एंड पैराबोला। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, लाइन एंड पैराबोला। तो इसमें क्या सीखेंगे अपने, लाइन एंड पैराबोला में कि जैसे मान लो एक पैराबोला है, ये अपना एक पैराबोला है। तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है लाइन की पैराबोला के रिस्पेक्ट में। एक तो जैसे मान लो ऐसी पॉसिबिलिटी हो गई लाइन वन जिसने बिल्कुल भी मीट नहीं किया। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है से ऐसे टाइप की टच कर जाए, और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो पहले एक्सटेंड कर उसको, तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है लाइन 3 जो पैराबोला को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में मीट करे। ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जैसे हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो हमारा पैराबोला है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला। ठीक है, और जो हमारी लाइन है वो है वाई इज इक्वल टू mx+c वाली। ठीक है, तो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज। तो कौन सी कब पॉसिबिलिटी होगी, हाँ ठीक है, जिसका कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है वो लोग, कोई बात नहीं, क्या कहते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही होगी वहाँ पे रिकॉर्डिंग आप गो थ्रू कर लेना। ए स्मिथ, स्मिथ का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्मिथ ने क्वेश्चन पूछा कि सर कोई लाइन ऐसी हो सकती है क्या जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे अपार्ट फ्रॉम टेंजेंट। बोलो कोई लाइन ऐसी हो सकती है जो एक ही पॉइंट नहीं हो पे, हाँ सकती है ना, क्योंकि हम लोग कंप्लीट पैराबोला नहीं बना रहे। पैराबोला तो उधर से एक्सटेंड होगा ना दोनों साइड से। पैराबोला तो एक्सटेंड होगा, तो तब भी सोचो कि ऐसी कोई लाइन हो सकती है जो
अपार्ट फ्रॉम टेंजेंट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे? यस सर, जो जो एक्सिस है वो अगर बना, हाँ एक्सिस के पैरेलल जो लाइन हो, यस सर, जो एक्सिस हो या जो एक्सिस के पैरेलल लाइन हो, जैसे मान लो आप ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन, ये वाली एक्सिस के पैरेलल, ये तो पैराबोला को इधर ही इंटरसेक्ट कर रही है। अब तुमको लग रहा है क्या कि ये आगे कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगी? नहीं सर, नहीं। तो अगर कहीं मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स अट द पैराबोला एट अ पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट, मतलब तुमको समझ जाना चाहिए कि वो कैसी लाइन हो रही होगी, पैरेलल टू द एक्सिस। वो कैसी लाइन हो रही होगी? पैरेलल टू द एक्सिस। देखो टच करने वाली लाइन उसको हम लोग इंटरसेक्ट नहीं करते, टेंजेंट को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, टेंजेंट को हम लोग क्या कहते हैं? टच करती है। इंटरसेक्ट करना मतलब क्रॉस कर जाना, कर्व को क्रॉस कर जाना, ऐसे एक एंड से दूसरे एंड पे निकल जाना, ठीक है? खैर, सो लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो अब हम लोग ने क्या किया कि टू फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों ने लाइन को पैराबोला से सॉल्व किया, मतलब एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, ऐसे लिख लिए। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये क्या बन गया, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। नाउ सी, अब देखो तुम लोग, अब हम लोगों ने क्या किया, इस फोर ए एक्स को इधर लेके आ गए, मतलब एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो टू कॉमन ले लिया, एम सी माइनस टू ए इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो ये एक्स में क्वाड्रेटिक क्या देगा? दो रूट्स देगा सर, स्लोप्स के वैल्यू देगा रूट्स, इस स्लोप की नहीं, एक्स में जो क्वाड्रेटिक है जो वैल्यू वो एक्स की वैल्यू। यस सर, यस सर, मतलब जहां पे पैराबोला और लाइन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उन पॉइंट्स के एक्स के कोऑर्डिनेट्स देना, है ना? तो अब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि लाइन और पैराबोला मीट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है? तो जैसे मान लो डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव होता, इसका मतलब क्या होता, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता, मतलब टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होता। डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो होता मतलब टेंजेंट हो जाता, हाँ टच वाला सीन हो जाता, और डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होता मतलब नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट, नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट। सर सर, जो d इक्वल टू जीरो है उसका मतलब है सिर्फ एक पॉइंट पे ही लाइन मीट कर रहा है ना पैराबोला को? हाँ, एक ही पॉइंट पे सर। तो वो एक्सिस वाला केस भी हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, देखो d इज इक्वल टू जीरो से क्या होता है कि इक्वल रूट्स आते हैं। मैं बताता हूँ तुमको, ये इक्वल टच वाली कंडीशन है, नॉट एक्सिस के पैरेलल वाली, ठीक है? ये इक्वल टच वाली कंडीशन है, ना कि एक्सिस के पैरेलल वाली। देखो एक्सिस के पैरेलल वाली मैं तुमको एक बार कंडीशन दिखाई देता हूँ, मतलब एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली मैंने y इज इक्वल टू 1, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं, बनेगा क्या x में क्वाड्रेटिक? अगर तुमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ली, इसको इसमें डाला, तो क्या एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगा? नहीं बनेगा।
तो वहां पे तो फिर डिस्क्रिमिनेंट की बात होती ही नहीं। अब होता क्या है, देखो मेरी बात सुनो, जैसे इक्वल रूट्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है, जैसे मान लो ये तुम्हारा से पैराबोला है, तुमसे तुम ऐसे लिए, तो जैसे मान लो ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो इनके कोऑर्डिनेट्स मान लो एक्स वन और एक्स टू, ठीक है। अब इसी को मैं, तुम सोचो कि मैं पैरेलल थोड़ा शिफ्ट करता गया, शिफ्ट करता गया, तो इस बात से अग्री करोगे क्या कि एक्स वन और एक्स टू एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे, करीब आ रहे होंगे। हाँ सर। तो जब ये वाली लाइन जब टच कर रही होती तो होता क्या कि एक्स वन, इस केस में एक्स वन एंड एक्स टू कोइंसाइड कर रहे होते। इस केस में क्या होता, एक्स वन और एक्स टू कोइंसाइड कर रहे होते, तो यहाँ पे दो रूट्स आते बट बोथ इक्वल, बट बोथ इक्वल रूट, समझ में आया। और वहां पे तो क्वाड्रेटिक का सीन ही नहीं था कोई तुम्हारा, अंडरस्टूड। सर ऊपर वाले केस में जो आपने L2 बनाई है उसमें D लेस देन 0 है, सॉरी एक L2 D इज इक्वल टू L1 जीरो L1 था, हाँ L1 के केस में D नेगेटिव होता, L2 के केस में D इज इक्वल टू जीरो होता, L3 के केस में D पॉजिटिव होता। वैसे अभी मैं उस D को भी सिंपलीफाई करूंगा, हम लोग हमेशा D थोड़े निकालने बैठेंगे, ठीक है, उसको अभी मैं D को भी क्या कहते हैं सिंपलीफाई करूंगा, ये तो बस ऐसे ही लिखा। अब पहले देखो D क्या होता, डी जो है होता बी स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स एम सी माइनस 2 ए का होल स्क्वायर माइनस 4 m² सी स्क्वायर, ठीक है। तो सिर्फ 4 वगैरह कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो m² c² प्लस 4a² माइनस 4amc माइनस 4 m² c² मतलब, सॉरी ये 4 तो इधर कॉमन आ गया ना, तो m² c² कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इधर से भी 4 कॉमन आ जाएगा और a भी कॉमन आ जाएगा, तो 4 × 4 16 है, ब्रैकेट में क्या बनता ए माइनस एम सी। अब देखो 16 तो भाई पॉजिटिव है ही और ए भी हम लोग पॉजिटिव मान के ही चलते हैं किसी भी पैराबोला के ऊपर, सो सारा दारोमदार अब ए माइनस एम सी पे है, सारा दारोमदार ए माइनस एम सी पे है। तो ए माइनस एम सी का जो साइन होगा उसके ऊपर डी का साइन डिपेंड करेगा, और डी के साइन के ऊपर क्या फायदा होगा ये पता चलेगा कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी या टच करेगी या नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टच, ठीक है। सो इफ ए इज ग्रेटर देन एम सी, अगर ए एम सी से बड़ा है, इसका मतलब डी की वैल्यू पॉजिटिव है, और डी की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब क्या हो जाता कि लाइन विल इंटरसेक्ट पैराबोला एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। फिर दूसरा है इफ ए इज इक्वल टू एम सी, अगर ए एम सी के बराबर है तो डी की वैल्यू क्या हो जाती, जीरो हो जाती। इसका मतलब क्या होता, लाइन विल टच द पैराबोला, लाइन क्या होती वो पैराबोला को टच कर रही होती। और अगर ए जो है वो लेस देन एम सी होता, इसका मतलब डी की वैल्यू क्या होती तुम्हारी, नेगेटिव होती, और डी की वैल्यू नेगेटिव होती मतलब लाइन विल नेवर मीट
पैराबोला, लाइन जो है पैराबोला को मीट कभी भी नहीं करना है। इसको अलग करूं क्या? इतना लिख लो भाई सब लोग पहले। चलो लिख लिया। इसको अच्छा हाँ स्क्रॉल अप करो। स्क्रॉल अप करना है कहाँ पे? स्क्रॉल अप करना उत्कर्ष मैं बार बार चैट नहीं देख पा रहा, तुम अनम्यूट करके बोल दो। सर बस वो डायग्राम के बाद में कौन सा? ये वाला है देखा। सर, ये वाला। हाँ सर चलो हो गया। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं लिखूं, y square is equal to से 24x, और एक लाइन है y is equal to mx plus m minus 1, then find नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच लाइन विल इंटरसेक्ट पैराबोला एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। Line will intersect the parabola at two distinct points. Thank you.
चार पॉइंट्स हैं क्या? चार सर, चार वैल्यूज आए इंटीग्रल, हाँ सर, फोर आए, माइनस वन, जीरो, वन, टू। देखते हैं। तो देखो कंडीशन क्या होनी चाहिए टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए? ए ग्रेटर देन सी, ये वाला ए ग्रेटर देन एम सी। तो देखो यहाँ पे अगर तुम ए देखोगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिक्स। और मतलब ए ग्रेटर देन एम सी होना चाहिए, मतलब सिक्स ग्रेटर देन एम इन टू सी की जगह एम माइनस वन, मतलब क्या बन गया एम स्क्वायर माइनस एम माइनस सिक्स, दिस शुड बी लेस देन जीरो। ठीक है, अब इसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते पता है तुमको? माइनस टू एंड थ्री होते मेरे ख्याल से। यस सर। ठीक है, तो मतलब अ क्वाड्रेटिक लेस देन जीरो मतलब बिटवीन द रूट्स, सो एम बिलोंग्स टू माइनस टू से थ्री। लेकिन हम लोग से क्या पूछा गया कि इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम पूछा गया। ठीक है, तो अब देखो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम अगर पूछा गया एम की वैल्यू क्या हो सकती है इंटीजर में, माइनस वन, जीरो, वन, टू। ठीक है, तो इससे कितने हो जाएंगे, एक, दो, तीन, चार। तो कितने लोग के चार आंसर आ गए? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट फोर आंसर्स, फोर एज द आंसर? सर फोर आंसर्स हैं सर। हां सर फोर आया। हां सर फोर आया। हां सर फोर आया। फोर नहीं आएगा क्योंकि जीरो को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। एम जीरो हो जाना, एम जीरो हो जाना मतलब कैसी लाइन हो जाना, एक्स एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाना। ठीक है, एम अगर जीरो हो जाना मतलब एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाना, और एक्सिस के पैरेलल वाली जो लाइन होती है वो हमेशा पैराबोला को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। और हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमारे क्वेश्चन में था इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। So, जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन समझ में आया सबको? लेकिन फिर वो आ क्यों रहा है? हाँ सर, एक्चुअली ये जो कंडीशन है ना ए ग्रेटर देन एम सी वगैरह ये सब जो है फॉर एम नॉट इक्वल टू जीरो के लिए कंडीशन है। क्योंकि तुम ही सोचो ना, अगर जैसे मान लो ए तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेके चलते ही है, और एम अगर जीरो हो जाता ये वाली कंडीशन तो फिर हमेशा ही ट्रू हो जाती ना। ठीक है, सो ये जो कंडीशन होता है ए ग्रेटर देन एम सी, ए इज इक्वल टू एम सी, ए लेस देन एम सी, दिस कंडीशन इज फॉर एम नॉट इक्वल टू जीरो, स्लोप जीरो के बराबर ना हो तब। सो जीरो हम लोग नहीं ले सकते, क्यों? बिकॉज वी विल गेट व्हाट, अ लाइन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, और हम लोग को पता है कि जो लाइन पैरेलल टू एक्सिस होती है दैट इंटरसेक्ट्स द पैराबोला ऑलवेज एट वन पॉइंट। So number of integral values of m will be 3. Number of integral values of m will be 3. ठीक है, तो देखो मैंने जान के तुमसे गलती करवा दी इस क्वेश्चन में। तो देखो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इस बार ए ग्रेटर देन एम सी वगैरह वाला भी लग गया, और इस बात का भी पॉइंट का भी यूज हो गया कि एम अगर जीरो होता है तो क्या सिनारियो बनता है। ठीक है, तो एक बार बच्चों सब लोग कमेंट करो कि क्या सबको क्लियर है ये वाला एग्जांपल, सॉरी ये वाला क्वेश्चन जो भी है, और एम को जीरो क्यों नहीं ले सकते अपने।
सर हाँ बोलो। सर जो केस है कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये एक्सेस का पैरेलल वाला केस, ऐसे इनफाइनाइट लाइंस बनेंगी क्या पैराबोला पे? हाँ ऐसे इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है, जैसे मान लो ये पैराबोला है, तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, सारी एक्सिस के पैरेलल वाली जितनी लाइंस है सारी हो सकती है। यही ओके पूछ रहे हो ना कि और कोई यस पूछ यस सर प्लीज। रहे? ओके तो एक बार नोट में लिख ही लेते हैं, अब इतना क्योंकि डिस्कशन किया तो एक बार नोट में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि अ लाइन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला ऑलवेज इंटरसेक्ट पैराबोला एट वन पॉइंट। दिस लाइन इज नॉट टेंजेंट, ये भी लिख रहे थे, दिस लाइन इज नॉट टेंजेंट, ये लाइन टेंजेंट नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो आई होप इतना क्लियर है आप सबको। सो ये छोटा सा नोट था। अब आगे क्या सीन बनता है वो देखते हैं। सो अब देखो धीरे धीरे क्या होता है, तुम अगर देखोगे तो सर्कल में भी हम लोग ने क्या किया, पहले लाइन एंड सर्कल पढ़ा, फिर उसके बाद टेंजेंट टू द सर्कल पढ़ा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, टेंजेंट टू द पैराबोला। टेंजेंट टू द पैराबोला ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये एक लाइन है, ये पैराबोला है और ये एक लाइन है। सो L touches the parabola when, क्या था AM और C में क्या रिलेशन था? इक्वल टू एम सी सर हाँ A is equal to MC। तो मैं कैसे याद रखता हूँ ये रिलेशन, जैसे तुम लोग ने सुना होगा एक ब्रांच होती है MCA, ठीक है, तो MC is equal to A, ऐसे याद हो जाएगा तुमको। MCA जैसे होता है ना मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो MC इज इक्वल टू एक ए। डाउट है, हाँ एमसी इक्वल टू ए वो भी लाइन इंक्लूड करेगा पैरेलल में उसके? नहीं, दिस इज फॉर एम नॉट इक्वल टू जीरो। एम नॉट, अगर एम जीरो हो जाएगा तब तो ये चीज कभी पॉसिबल ही नहीं होगी ना। देखो जब एम जीरो हो गया तो ये तो जीरो हो जाएगा, और पैराबोला के लिए ए जो होता है वो नॉन जीरो होता है, तो कभी ये तो फिर लोग। अगर हमें पूछा कि नंबर ऑफ लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, तो हाँ हमें ये भी लेना पड़ेगा प्लस वो भी लेना पड़ेगा ना, जो नहीं, पैरेलल वो तो इनफाइनाइट ही हो देखो जाएगा। अगर सुनो सुनो, अगर इंटरसेक्ट बोल दिया, अगर इंटरसेक्ट बोल दिया तो बस वो पैरेलल वाली लेंगे। अगर मीट बोल दिया, क्या बोल दिया, मीट बोल दिया, तो मीट में टेंजेंट भी ले लेंगे और पैरेलल वाली भी ले लेंगे। अगर इंटरसेक्ट बोला तो केवल पैरेलल वाली, मीट बोला तो टेंजेंट भी और पैरेलल वाली भी, और अगर से टच बोल दिया, तो टच बोल दिया मतलब केवल टेंजेंट वाली। समझ में आ गया? ओके सो हाँ, तो एल टचेस द पैराबोला व्हेन एम सी इज इक्वल टू ए या ए इज इक्वल टू एम सी। सो अब सी की जगह जो है तुम ए बाय एम लिख लो। अब इस सी को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। दस वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम इज द
रेडीमेड इक्वेशन इज द व्हाट? रेडीमेड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ स्लोप एम टू द पैराबोला, ऑफ स्लोप एम टू द पैराबोला y square is equal to 4ax. ठीक है, टू द पैराबोला y square is equal to 4ax. इतना समझ में आया? So, अच्छा, ऐसा कोई रेडीमेड इक्वेशन सर्कल में भी पढ़ा था क्या? जैसे सर्कल में, सर्कल अगर है हमारा x square plus y square is equal to r square, तो m स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता था? y equal to mx plus minus r under root of 1 plus m square. ये होता था. सिमिलरली पैराबोला अगर y इज इक्वल टू, सॉरी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो m स्लोप का जो टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m. ठीक है, तो देखो विजर्वेस जैसे सर्कल में था वैसा ही एक पॉइंट पैराबोला में भी पढ़ा हम लोगों ने. ठीक है, जैसा सर्कल में था अ सेम काइंड ऑफ पॉइंट वी आर स्टडिंग इन पैराबोला. ठीक है, अच्छा याद करो, जैसे मान लो एक लाइन है, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और एक सर्कल हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या होता था? R equal to P. हाँ ठीक है, R is equal to P भी होता था, या ऐसा भी लिख सकते थे C square is equal to R square 1 plus M square. ठीक है, दोनों लिख सकते थे, क्योंकि देखो C की जगह ही तो ये आया ना, ये वाली चीज. तो देखो इसको अगर इससे इक्वेट करो और स्क्वायरिंग कर दो तो बन जाएगा कि नहीं, c square is equal to r square into 1 plus m square. वैसे ही सिमिलरली अगर जैसे मान लो कोई लाइन है y is equal to mx plus c और एक पैराबोला है y square is equal to 4ax, तो उस केस में कंडीशन फॉर टेंजेंसी जो है तो प्लस माइनस नहीं होना चाहिए क्या? y equal to plus mx plus minus a by m नहीं रहेगा यहाँ पे. नहीं, यहाँ पे क्यों लेके आता है, प्लस आता है, वो मैं दिखाता हूँ. कंडीशन फॉर टेंजेंसी जो है वो क्या होता है, mc is equal to है, ये कंडीशन फॉर टेंजेंसी होता है किसके लिए? पैराबोला के लिए. ठीक है, mc is equal to है, या तुम अब चाहो तो लिख सकते हो c is equal to a by m. दोनों चीज मतलब यहीं से यहाँ पे आए हम लोग. ठीक है, तो सर्कल या सर्कल के लिए कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या होता था? c square is equal to r square into 1 plus m square. और पैराबोला के लिए कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या होता है? c is equal to a by m. Understood? Yes, sir. बोल भाई, सबको क्लियर? अब देखते हैं आगे. तो जैसे थोड़ा ऊपर जा सकते हो? हाँ, ऊपर देख लो भाई, किधर इस पार्ट में जाऊं मैं? ओके सर. हाँ ओके सर, चल ठीक है. तो जैसे मान लो एक थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चंस,
जैसे मान लो एक पैराबोला है y square is equal to 12x, then find, find क्या करना है? Equation of tangent of slope 3. Find the equation of tangent of slope 3 to the parabola. Three x plus one. Yes, good. जल्दी जल्दी करो भाई, सीधे क्या करना है तुम लोग को? वो रेडीमेड इक्वेशन जो है वो यूज करना है. You have to use that ready-made equation. So, ready-made equation kya tha? Y is equal to mx plus a by m. Agar maine likh liya, jaise maan lo y square is equal to 12x ek parabola hai, and y is equal to mx plus a by m. ये जो लाइन है दिस विल बी ऑटोमेटिकली टच द पैराबोला. कौन से पैराबोला को टच करेगी? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. अच्छा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये सब पे भी हम लोग आएंगे, लेकिन वो एकदम एंड में आएंगे, तो मैं एक से दूसरे में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा. अभी जो हमारा डिस्कशन हो रहा होगा उसे 80% डिस्कशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाले पैराबोला के लिए ही होगा. तो ये वाली जो लाइन होती है वो ऑटोमेटिकली टच करती है पैराबोला को. अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या है तुम्हारी? 3 है. और a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू को भी तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो 3 है. तो y इज इक्वल टू mx, 3x प्लस 3 बाय 3, विच मीन्स y is equal to 3x plus 1. This is the equation of tangent of slope 3. ये क्या हो गया हमारा? अपना equation of tangent of slope 3. समझ में आया सबको? बोलो बच्चों. Everyone. अच्छा, अब तुम ऐसे सोचो कि सबसे पहले जैसे किसी एक बच्चे ने पूछा था कि सर यहाँ पे केवल एक ही होगा कि प्लस माइनस दोनों होगा, तो मैंने कहा कि केवल एक ही होगा, वो जो है वो प्लस साइन होगा. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर अ पर्टिक्यूलर नॉन जीरो स्लोप, फॉर अ पर्टिकुलर नॉन जीरो स्लोप, ये नोट टाइप का लिख रहा है, देयर विल एग्जिस्ट व्हाट? ओनली वन टेंजेंट टू द पैराबोला. देयर विल एग्जिस्ट ओनली वन टेंजेंट टू द पैराबोला. सो जैसे मान लो इसे ये अपना पैराबोला है और मैं चाहूं कि इसे नॉन जीरो स्लोप लिखा है, क्योंकि जीरो स्लोप का तो टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है. जैसे मान लो मैंने m इज इक्वल टू -3 इसके टेंजेंट को ड्रॉ करने के बारे में सोचा, तो स्लोप नेगेटिव है. मतलब कैसी लाइन होती है? नेगेटिव स्लोप वाली ऐसी लाइन होती है. हाँ, तो अब ऐसी कितनी लाइन्स हो सकती है बाय द वे नेगेटिव स्लोप की? बहुत सारी लाइंस हो सकती है, पैरेलल लाइंस. हाँ सर. तो उसमें से केवल एक लाइन ऐसी होती
जो मान लो ऐसे टच करके जा रही होती। अच्छा तुमको क्या लगता है, अब आगे कोई लाइन इसको टच कर सकती है क्या? इधर वाली कोई लाइन टच कर सकती है क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं कर सकती। तो क्या बोला गया कि एक स्लोप के लिए केवल एक ही टेंजेंट पॉसिबल है पैराबोला के केस में। सर्कल के केस में अलग होता है, जैसे सर्कल की अगर अपने बात करें दो पॉसिबल होंगे, दो पॉसिबल होते हैं सर्कल के लिए। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर स्लोप ये है, इस स्लोप के लिए एक टेंजेंट सॉरी ऐसा पॉसिबल हो गया और दूसरा टेंजेंट से ऐसा पॉसिबल हो गया, दो टेंजेंट्स पॉसिबल हो गए सर्कल के लिए। लेकिन पैराबोला के लिए एक सिंगल स्लोप या एक पर्टिकुलर स्लोप के लिए केवल एक ही टेंजेंट पॉसिबल होता है, इसलिए सिंगल इक्वेशन आता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। और यहाँ पे क्या आता था, एम एक्स प्लस माइनस आर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ सर। चल वेरी गुड। सो अब हम लोग आगे बढ़े। तो ये छोटा सा नोट था टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का क्या मतलब है कि जैसे मान लो ये एक पैराबोला है और एम स्लोप के टेंजेंट का मैं रेडीमेड इक्वेशन पका पका इक्वेशन पता है अपने को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। ठीक है, अगर मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम लिख लिया, इसका मतलब ये वाली लाइन 100% टच करेगी पैराबोला को। ठीक है, फिर इसमें कोई शक नहीं है कि ये टच करेगी कि नहीं करेगी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, दिस लाइन विल टच पैराबोला 100%। फाइन, तो अब होता क्या कि अगर तुम देखो तो से मान लो कि अपना ये पैराबोला होता तो एम स्लोप का टेंजेंट कितना होता इस पैराबोला के लिए, किसी पर्टिकुलर एम स्लोप का टेंजेंट? बोलो बच्चों। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? मैंने पूछा कि कोई पर्टिकुलर एम स्लोप का टेंजेंट कितना होता इस पैराबोला को? सर एक ही होता। सर एक ही होता, ये मान लो से ऐसे टाइप का टेंजेंट होता। ठीक है, ये टेंजेंट होता। अच्छा, अगर ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो हमने उसमें y की वैल्यू डाल देंगे ना। तो पहले ही बात ये बताओ मेरे को, क्या बताओगे कि इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या मैं लिख सकता हूँ क्या तुरंत? पता है क्या ये टेंजेंट कौन सा है इसका इक्वेशन? यस, इसका इक्वेशन यही है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। तो ये जो पॉइंट P होता इसी पॉइंट को मैं क्या कहता, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहां पे पैराबोला और कौन लाइन टेंजेंट मीट कर रहा है। तो अब देखो वो फाइंड करने के लिए हम लोग ने क्या किया कि पैराबोला और लाइन को सॉल्व कर लिया। तो एक रिजल्ट पे आएंगे हम लोग
तो हमेशा हम लोग को पैराबोला और लाइन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, एक रिजल्ट पे आएंगे उस रिजल्ट को याद करना पड़ेगा. सो सॉल्विंग पैराबोला एंड व्हाट टेंजेंट क्या आ जाएगा हमारा एम एक्स प्लस ए बाय एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. अच्छा तुमको क्या लग रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक बनेगा x में इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो आएगा या जीरो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता? सर जीरो आएगा. हाँ इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो आएगा ही. देखो मैं दिखा भी देता हूं तुम लोग को. तो देखो क्या बन गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. ठीक है इसका अगर तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालते वैसे बाय द वे जरूरत नहीं है. फोर ए स्क्वायर माइनस फोर एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर. देखो जीरो आया कि नहीं आया. अच्छा डिस्क्रिमिनेंट जीरो आने का क्या मतलब होता है? वो वाली चीज कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रही होती है. तो देखो ये किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर पता है? इसका परफेक्ट स्क्वायर एम एक्स माइनस ए बाय एम का होल स्क्वायर. मतलब इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a बाय एम स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ x विल बी a बाय एम स्क्वायर. तो y की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो y वॉज एम एक्स प्लस ए बाय एम. एक्स की जगह a बाय एम स्क्वायर पुट किया और यहां पे a बाय एम. मतलब ये क्या बन गया? 2a by m. This is what? 2a by m. Therefore, point of tangency. Point of tangency of tangent of slope m is a by m square comma 2a by m. ठीक है तो ये जो है अपना क्या हो गया? ये एक रिजल्ट हो गया. इस रिजल्ट को भी अपने को क्या करना है? याद करके रखना. चलो इतना समझ में आया कि अगर m स्लोप का टेंजेंट होगा तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या हो जाएगा? a बाय एम स्क्वायर कॉमा 2a बाय m. जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वो हो गया ना. तो अगर मतलब y का कोई फंक्शन हो हाँ उसके लिए मैं अलग से डिस्कस करूंगा. ठीक है अभी जो भी डिस्कशन चल रहा है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स एक्सक्लूसिवली इसी के लिए चल रहा है जो भी डिस्कशन चल रहा है. ठीक है अच्छा अब देखो भाई. सो जैसे अब इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं. जैसे मान लो क्वेश्चन है y square is equal to 12x and y is equal to 2x plus c
is a line which touches the parabola at point P, x naught comma y naught. Then find point P and C. Find point P and C. सर सी तो 3/2 हो जाएगा। सर पी 3/4, 3 है क्या? 3/4, 3 हाँ सही। हाँ सर वही आया। तो देखो सी फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सी फाइंड करने के लिए कंडीशन फॉर टेंजेंसी लगानी पड़ेगी। सो कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या हो जाएगा, एम सी इज इक्वल टू ए, ठीक है। अच्छा एम क्या है, 2 है, सी क्या है, सी ही है, और ए क्या है, 3 है, मतलब c की वैल्यू 3/2 आ गई सबसे पहली चीज। उसके बाद दूसरी बात कि पॉइंट p, पॉइंट p जो होता है वो क्या होता है, a by m square comma 2a by m, मतलब a by m square कितना होता है, a was 3, so 3/4 comma 2a by m, मतलब p जो है वो हो गया 3/4, 3। चलो अब देखो जैसे मान लो कि हमारा जो पैराबोला होता वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के बजाय, नेक्स्ट नोट है y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस बीटा होता अगर, ठीक है, मतलब इस बार वर्टेक्स कहाँ पे हो जाता अपना, अल्फा कॉमा बीटा पे वर्टेक्स हो जाता था, y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस बीटा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m, वैसे तो क्या होता था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम होता था उस समय जब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता था। तो यहाँ पे y की जगह क्या है, y माइनस अल्फा। तो देखो ये चीज हम लोग ने सर्कल में भी की थी, तो यहाँ पे y की जगह y माइनस अल्फा कर देंगे और x की जगह क्या कर देंगे, x माइनस बीटा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m विल बी y माइनस अल्फा इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस बीटा,
प्लस ए बाय एम। सो ये एक रिजल्ट है, इट इज व्हाट, इट इज अ रिजल्ट। अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? तो जैसे इसके ऊपर अगर हम लोग को कोई क्वेश्चन करना है, एक छोटा सा क्वेश्चन, तो यहां पे अगर तुम सिंप्लीफाई करते तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, अब देखो जो c की जगह कांस्टेंट टर्म होता है वो पता है क्या क्या बनता, a बाय एम माइनस बीटा एम प्लस अल्फा, ये पूरा के पूरा कांस्टेंट टर्म बनता सी का, ए बाय एम माइनस बीटा एम प्लस अल्फा। हेलो, आवाज आ रही है ठीक से? आ रही है सर। आ रही है सर। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन हो हमारे पास, क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई माइनस फोर एक्स, ये एक पैराबोला है एंड y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस सी, क्या है ये एक लाइन है। सो लाइन टचेस द पैराबोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c, then find the value of c।
कुछ लोग का आंसर आया है, बाकी लोग भी ट्राई करो। देखो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को इस पैराबोला को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कंप्यूटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई है मतलब वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस नाइन माइनस फोर एक्स प्लस वन। अच्छा ये दोनों मिलके क्या हो गए, माइनस एट हो गए, मतलब वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस एट, मतलब फोर टाइम्स एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर तुम देखो तो ये जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है और इसका स्लोप क्या है, टू है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो टू स्लोप का टेंजेंट है वो लिख लेते हैं। सो मैं ऐसे लिखता इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप टू, ये होता जैसे y की जगह y माइनस थ्री लिख ली इज इक्वल टू टू टाइम्स x की जगह x प्लस टू प्लस a बाय m। अच्छा ये पैराबोला है तो इसमें a की वैल्यू वन होती और m की वैल्यू कितनी होती, टू होती। सो अब देखो अब मैंने क्या किया, वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर प्लस थ्री प्लस वन बाय टू, ये जो एंटायर चीज होती ये किसकी तरह एक्ट कर रही होती, सी की तरह एक्ट कर रही होती। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाती, सेवन प्लस हाफ मतलब 7.5। समझ में आया? बोलो स्टूडेंट्स इतना क्लियर है? हाँ सर। तो क्या आंसर आ गया अपना, 7.5। अच्छा अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना होता, जैसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना है आपको, तो वैसे तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता था, ए बाय एम स्क्वायर कॉमा टू ए बाय एम। तो ए बाय एम स्क्वायर और इधर टू ए बाय एम। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे y की जगह किसने ली थी, y माइनस थ्री ने ली थी और x की जगह किसने ली थी, x प्लस टू ने ली थी। तो x प्लस टू एंड y माइनस थ्री, समझे बात? अच्छा a और m तो तुमको पता ही है, a की वैल्यू वन है और m की वैल्यू कितनी थी, टू। सो x प्लस टू इज इक्वल टू वन बाय फोर, x इज इक्वल टू वन बाय फोर माइनस टू मतलब -7/4। y इज इक्वल टू थ्री प्लस टू ए बाय एम, 2/2। तो मतलब ये मैंने एक्स्ट्रा निकाल के बता दिया बस, कि कभी मान लो क्वेश्चन में पूछ देता पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो वो इस केस में क्या हो जाता, -7/4, 4 आंसर। और एक ठीक बार है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ सर हो गया। तो ये हो गया हमारा, क्या सबको समझ में आया बच्चों कैसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वगैरह निकालना है आप लोग? यस सर। अच्छा अब जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम
एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम व्हाट, एक्सटर्नल पॉइंट। तो जैसे मान लो कि अपना टेंजेंट है, अपना पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और एक पॉइंट पी है x नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक है। सो ये पैराबोला है और इधर कोई पॉइंट पी है x नॉट कॉमा वाई नॉट, तो बताओ इस पॉइंट पी के थ्रू कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते थे हम लोग पैराबोला को? दो, दो। बाहर के पॉइंट से पैराबोला को कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? दो पॉइंट, दो टेंजेंट। तो अगर हमको इन दोनों टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखना है टी वन और टी टू, तो तुम लिख सकते हो क्या इन दोनों टेंजेंट्स का इक्वेशन? कैसे, क्या सोच सकते हैं? टी वन के लिए हमको क्या चाहिए? किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है हम लोग को? पॉइंट और स्लोप, ठीक है। पॉइंट इज ऑलरेडी नोन टू अस विच इज पी। अब एम क्या है टी वन और टी टू फाइंड करने के लिए? कि स्लोप पता चल जाए, ठीक है। तो मैं क्या सोचता, मैं कुछ ऐसा सोचता कि ठीक है भाई, इसका स्लोप से एम मान लिया। अच्छा, ये वाली जो टेक्निक है, ये टेक्निक हम लोग ने सर्कल में भी पढ़ी है, ठीक है, कि इस टेंजेंट का स्लोप हम लोगों ने क्या मान लिया, एम मान लिया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप एम, इसका कोई रेडीमेड फॉर्मूला है क्या हमारे पास? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप एम, सो y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो टेंजेंट होता वो पॉइंट P से पास कर रहा होता, ठीक, ये वाला जो टेंजेंट होता ये पॉइंट P से पास कर, हाँ, तो ये पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट से पास कर रहा होता है ये वाला टेंजेंट। तो हम लोग ने क्या किया होता कि x नॉट और y नॉट x और y की जगह डाल दिया होता, सो y नॉट इज इक्वल टू mx नॉट प्लस a बाय m। देखो x नॉट y नॉट नोन रहेगा हम लोग को और a भी नोन रहेगा, तो इससे क्या m में क्वाड्रेटिक आएगा क्या? यस सर, इससे m में क्वाड्रेटिक आएगा, और उस m में क्वाड्रेटिक से m की दो वैल्यू आएंगी, एक m1 आएगी और एक m2 आएगी, ठीक है। तो जो m1 और m2 होगी वो एक्चुअली होगी क्या? टेंजेंट 1 का स्लोप और टेंजेंट 2 का स्लोप, ठीक है। सो दोनों टेंजेंट्स का स्लोप पता चल गया अपन को जल्दी से। हाँ सर, स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है। जैसे टेंजेंट वन के लिए एम वन पता है और पॉइंट पता है, तो हम लोग टेंजेंट वन का इक्वेशन लिख लेंगे। वैसे ही टेंजेंट टू के लिए एम टू पता है और पॉइंट पता है, तो टेंजेंट टू का इक्वेशन लिख लेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग दोनों टेंजेंट्स का इंडिविजुअल इक्वेशन लिखना सीख लेंगे। ठीक है, तो ये सबको समझ में आया क्या ये वाला कॉन्सेप्ट? यस सर, यस। ऐसी ही सेम टेक्निक हम लोग ने सर्कल में अप्लाई की, बस सर्कल में क्या था कि जैसे यहाँ पे a बाय m है ना, तो सर्कल में जो था वो a बाय m की जगह प्लस माइनस r रूट वन प्लस m स्क्वायर था, और कुछ नहीं था सर्कल के केस में, कि बाहर के कोई एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करना। देखो तुमको जो कोनिक सेक्शन है ना, वहां पे बहुत ज्यादा ज्योमेट्री नहीं लगेगी, वहां पे यही सब मैनिपुलेशन है। जैसे सर्कल्स होता था तो उसमें काफी क्वेश्चन ज्योमेट्री से भी सॉल्व होते थे, सर्कल की जो 9th 10th लेवल की ज्योमेट्री होती थी। यहाँ पे एज सच कोई ज्योमेट्री नहीं लगती, सारे क्वेश्चन जो टेक्निक सिखा रहा हूँ उन्हीं टेक्निक्स के थ्रू ही सॉल्व होता है,
ठीक है, तो चलो लेट्स राइट अ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग? फिर सर वाई, हाँ सर ये जो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का मेथड है सर, ये के एस ये यही एक मेथड है क्या, कि और भी कोई बेटर मेथड है? नहीं देखो, ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। और भी मेथड एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो बहुत लंबे हो जाते हैं, ओके सर, ठीक है। ये सबसे बेस्ट मेथड है। इससे जो है मतलब जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स के रिलेटेड जैसे ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, तो इससे जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे पीए और पीबी, इस टेक्निक से सारे सॉल्व हो जाएंगे एमए क्वाड्रेटिक फॉर्म करने से। ओके तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारा कि एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और एक पॉइंट पी मैं ले लूं -2,3, ठीक है। सो थ्रू पी टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू पैराबोला, देन फाइंड स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। देन फाइंड स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स। थ्री प्लस माइनस रूट 17 बाय 4। सर उसके दो रूट्स का वैल्यू 3 प्लस माइनस रूट 17 बाय 4 आ रहा है। देखते हैं, चलो कर लेते हैं, टाइम बस 2-3 मिनट ही बचा है तो कर ही लेते हैं। तो देखो जैसे मान लिया कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो 1 बाय m। इसमें हम लोग ने -2,3 डाल दिया, तो 3 इज इक्वल टू -2m प्लस 1 बाय m, मतलब क्या हो जाएगा 2m² प्लस 3m -1 इज इक्वल टू 0। सही लिखा है, 2m² हाँ माइनस। ओके तो अब इस क्वाड्रेटिक को बस सॉल्व करना है, एम के क्वाड्रेटिक को, तो फैक्टराइज तो हो नहीं रहा, एम क्या हो जाएगा -b प्लस -√b² 9 + 8 17 बाय 2। मतलब जो एम की दो वैल्यूज आ जाएंगी वो -3 प्लस √17 बाय 4 एंड -3 -√17 बाय 4 हो जाएगी। ओके यस सर, तो
अच्छा इससे रिलेटेड पेयर ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे, आज तो टाइम हो चुका है अपना, सो आज इतना ही करते हैं. वी विल कंटिन्यू विथ पेयर ऑफ टेंजेंट्स इन द नेक्स्ट क्लास. सब लोग कमेंट करो मॉड्यूल के क्वेश्चंस कौन से करने हैं. मैं वो आज शाम तक तुम लोग को लिख के भेज दूंगा मॉड्यूल के क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं, और नोट्स भी मैं भेज दूंगा. अभी थोड़ा सा काम है तो अभी नहीं, शाम को मैं करूंगा सब कुछ. ठीक है, तो आज का समझ में आ गया जो भी हम लोग ने पढ़ा? हाँ सर. हाँ सर. चलो सो आज के लिए इतना ही करते हैं अपने अंग्रेजी एकेडमी. चलो गुड बाय. थैंक यू सर.